हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर हेटरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड व्हिच फॉर्म द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। लिपिड एक भिन्न कंपाउंड का समूह होता है जो हमारे आहार में बहुत महत्वपूर्ण है। इट इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल, वैक्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। उसमें क्या क्या होता है लिपिड में? फैट, बसा या चर्बी, ऑयल्स, तेल, वैक्स, मोम सब होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। ये पानी में अघुलनशील होते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैविक द्रावक में ये मिल जाते हैं, जैसे कि ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन। Then composition. Lipids are organic compound which are made up of carbon, hydrogen and oxygen, whereas some have phosphorus and nitrogen. Lipid organic compound होते हैं जो किससे बने होते हैं, carbon, hydrogen and oxygen, और कुछ कुछ में phosphorus और nitrogen भी होते हैं। The lipids serve as major fuel of most organisms and considered as a essential sources of energy. Lipid बहुत सारे organism में एक ईंधन की तरह काम करता है और हमको energy देता है, energy का स्रोत है। The building block of lipids are fatty acids and alcohol. मतलब जो फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन होके लिपिड्स को बनाते हैं। देन फैटी एसिड्स, उसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH, जिसमें R है वो हाइड्रोकार्बन चेन होता है और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड, दे हैव ए सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ए हाइड्रोकार्बन टेल। फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड के बहुत लंबे चेन होते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन टेल होता है। फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड। जब लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमको फैटी एसिड मिलेगा। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड आर स्टेरिक एसिड, जिसमें 17 कार्बन होते हैं, पैल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होते हैं, एंड ऑलिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होते हैं। एंड ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, इट इज ए थिक सिरपी स्वीट लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर विच कैन रिएक्ट विथ फैटी एसिड। ये एक मोटा सिरपी में सिरप जैसे मीठा होता है एंड हो जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं। विच कैन रिएक्ट विथ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। इन सच रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कॉम्बाइंस विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। द एच एटम ऑफ एसिड्स आर रिप्लेस्ड एंड द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ईस्टर इज फॉर्म। फैटी एसिड का एच एटम होता है वो रिप्लेस होके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसको ईस्टर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है RC(OR-). आज 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सोच एन ईस्टर इज ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल ईस्टर बना रहे हैं इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, एंड ये फैटी एसिड है, ये 3 R1, R2, R3 3 फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्शन करके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं जो ईस्टर है, ईस्टर भी कहते हैं ईस्टर, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑल फैट्स एंड ऑयल्स आर ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। जो फैट्स, बसा या तेल, वो फैटी एसिड के ग्लिसराइड होते हैं। ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो तेल होते हैं वो रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान में तरल होते हैं। ऑयल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। जो तेल होता है वो प्लांट सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो हमको मस्टर्ड सीड से मिलता है, एंड आलमंड ऑयल।
ऑयल्स हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तेल में सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड रहता है और अनसैचुरेटेड जिसमें दो और तीन बॉन्ड होते हैं। फैट्स, फैट्स इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बसा या चर्बी कमरे के तापमान में कठिन होता है। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, ये हमको जानवर से मिलता है जैसे कि बटर और घी। फैट्स हैव ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो फैट चर्बी में सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड ही होते हैं।